हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ श्राद्ध के लिए थाली। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बनाने जा रही हूँ आलू गोभी। तो आलू गोभी मैंने काट लिया है और यहाँ मैंने पैन में तेल चढ़ाने के बाद इसके अंदर डाला है थोड़ा सा जीरा और प्याज। प्याज सौटे होने के बाद हमने डाल दिए हैं मसाले। मसालों में डाला है हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और साथ में डाला है धनिया पाउडर। और प्याज सौटे होने के बाद मैंने इसके अंदर डाली है हरी मिर्च, क्योंकि घर पे श्राद्ध हो रहा था तो मम्मी लोग तो जल्दी जल्दी काम करते हैं। एक साइड कुछ बन रहा है, एक साइड कुछ बन रहा है। तो यहाँ भी गोभी डाल दी है, गोभी के साथ आलू और गोभी मिक्स कर दिया है ये हमने इस मसाले के साथ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गोभी और आलू पे कोटिंग अच्छे से हो जाए। देखिए मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक के कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। बीच बीच में आप चलाते रहिएगा ताकि सब्ज़ी नीचे ना लगे। तो ये देखिए, बीच में मैंने उठा के देखा था इसको, तो सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी कच्ची थी। तो अच्छे से हिलाने के बाद एक बार और हम इसे ढक के पका लेंगे 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे, मतलब 5 से 7 मिनट में हो जाती है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी हमारी देखिए अच्छे से बन गई है। अभी हम इसको कट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, आलू भी जो है हमारे कुक हो गए हैं अच्छे से और गोभी भी हमारी बन गई है। तो बस हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, हरा धनिया, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। सो रेडी है हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी। इसके बाद हम बनाएंगे उड़द और राजमा की दाल, जो कि हमारे यहाँ पे श्राद्ध में बहुत नेसेसरी होती है कि उड़द की दाल तो ज़रूर बननी चाहिए। तो उसके लिए हमने पैन में डाल दिया है थोड़ा सा तेल, जीरा और अनियन। अनियन सॉटे हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। ये देखिए, अनियन जो है हमारा अच्छे से सॉटे हो गया है, इसका हल्का कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन। लहसुन डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। ये डाल दिया है, तो लहसुन डाल दिया है, इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और इसके साथ साथ अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, आप चाहें तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर पड़ेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में भी सेम स्पाइसेस डालेंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है मिर्च और धनिया पाउडर। साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इससे पहले हमने जो राजमा होता है और उड़द की दाल होती है उसको हमने विसल लगा के कुक कर रखा है, तो उसमें ये तड़का हम डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ उस दाल को भी। अभी देखिए हमने कुक जो की है, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है अदरक और हरी मिर्च। इसमें से जो भी चीज़ आप नहीं खाते हो पूजा में वो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये दाल में मैंने तड़का डाल दिया है, और दाल में एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे बटर। ये देखिए उड़द और राजमा की दाल है, अब इसके अंदर डाल देंगे बटर, और इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि बटर हमारा मेल्ट हो जाए और अच्छे से दाल के अंदर मिक्स हो जाए ये। तो दाल भी हमारी बन के रेडी है देखिए, और इसके अंदर डाल दिया धनिया और मिक्स कर देंगे। रेडी है हमारी दाल। अब इसके बाद हम बनाएंगे खीर। तो स्पीड मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि एक ही वीडियो में 4-4 रेसिपी बहुत जल्दी बताना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है मैंने। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है फुल फैट क्रीम, और इसको बॉयल होने देते हैं। बॉयल होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे राइस अपने। इतने हम हलवा रेडी करते हैं, तो हलवे के लिए मैंने इसके अंदर देखिए घी डाला है और साथ में डाल दी है सूजी। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जब तक सूजी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है देखिए, और इसके अंदर अब हम डाल देंगे चीनी स्वाद अनुसार, और साथ ही डाल देंगे पानी, क्योंकि अगर हम चाशनी बना लेते हैं तो कई बार क्या होता है चाशनी ज़्यादा हो जाती है और वो फिर वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम चाशनी की बजाय इसके अंदर चीनी डालेंगे और पानी डाल देंगे। साथ ही डालिए ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डाल सकते हैं, या हमने किशमिश और नारियल डाला है। तो ये देखिए हलवा भी हमारा बन के रेडी है।
इसको हमने नारियल के बुरादे से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और साथ ही काजू से। और यहाँ पे देखिए हमारा जो हलवा है बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे दूध में भी बॉयल आ गया है और इसके अंदर अब हम डाल देंगे अपने राइस। राइस डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि दूध हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता और राइस हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते, इसके साथ मिक्स नहीं हो जाते। और ये देखिए बीच बीच में हम इसको चला रहे हैं और साथ ही अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी स्वाद अनुसार। चीनी आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ ही देर बाद, मतलब 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो ये देखिए खीर हमारी गाढ़ी हो गई है और थोड़ा ठंडी हो जाएगी तो और जम जाएगी ये। तो बस इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। येलोइश कलर इसका देखिए एक आ गया है। तो रेडी है हमारी व्रत की खीर, ये श्राद्धों की खीर भी बस रेडी है हमारा श्राद्ध का प्रसाद। तो ये इंजॉय करिए वीडियो को, और रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।